हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टाई के बारे में। स्टाई होता क्या है, इसके होने के क्या लक्षण हो सकते हैं, साथ ही किस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, साथ ही इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाई की। तो स्टाई को हम गुहेरी या फिर आँख में फुंसी हो जाना अलग अलग नामों से जानते हैं, और यह समस्या शुरुआत में आपकी पलकों पर एक छोटी सी गांठ के रूप में नज़र आती है, लेकिन यह गांठ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। यह समस्या का हो जाने का मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यह समस्या आपको हो जाती है। ज़्यादातर केस में यह समस्या एक आँख में होती है, लेकिन कुछ केस में यह समस्या दोनों आँख में भी हो सकती है। एक आँख में एक या एक से अधिक स्टाई भी हो जाते हैं, और आपका जो स्टाई है यह ऊपर की पलकों पर या फिर नीचे की पलकों पर कहीं पर भी हो सकता है। जब आपको स्टाई की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी पूरी आँख में लालिमा हो जाती है, साथ ही जो आपकी गांठ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेन करती है, लेकिन विजन में कोई भी किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं लक्षणों की, सिम्टम्स की, कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि आपको स्टाई की समस्या है। तो सबसे पहले आपकी आँख में स्वेलिंग होगी, आपको फूला हुआ महसूस होगा, साथ ही आपकी पलकों पर एक गांठ होगी, और गांठ आपकी लाल या पीले किसी भी रंग की हो सकती है। पलकों पर रेडनेस होगी, आपको खुजली महसूस होगी, इचिंग होगी आपकी आँख में, साथ ही यदि आपकी ऊपर की पलक पर गुहेरी हो गई तो आपका विजन भी इफेक्ट कर सकता है, आपको धुंधला दिखाई दे देगा, क्योंकि जब ऊपर की आँख पर गुहेरी होगी तो उसकी स्वेलिंग की वजह से आपका प्यूपिल हल्का सा ढक जाएगा, जिसकी वजह से विजन इफेक्ट होने लगता है। पलक झपकाते समय आपकी आँख में दर्द होगा, साथ ही ईचिंग और पेन की वजह से आँख में आंसू भी आ सकते हैं। ये सारे लक्षण आपकी गुहेरी की समस्या में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि किस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपने अपनी पलकों की सिकाई की और सिकाई के बाद भी आपकी गुहेरी में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आता है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर जो आपकी गुहेरी है, जो गांठ है, वो कम समय में गंभीर हो गई या फिर ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और उससे लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर स्वेलिंग की वजह से आपकी आँख नहीं खुल पा रही है, जिसकी वजह से आपका विजन डिस्टर्ब हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेकर के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। या फिर एक आँख में एक से अधिक गुहेरी हो गई, या फिर जहाँ पर गुहेरी हो रही है वो ठीक होकर के बार बार हो रही है वहीं पर, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब बात करते हैं स्टाई यानी गुहेरी के कारणों की, कि किन कारण की वजह से हमारी आँख में गुहेरी की समस्या हो जाती है। तो सबसे मेन कारण है स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। यह स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया हमारी स्किन पर पाए जाते हैं, और यह बैक्टीरिया स्किन के द्वारा हमारी आँख में चले जाते हैं, और जो हमारी आँख की पलकों पर ऑयल ग्लैंड होती हैं उनको उत्तेजित कर देते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारी आँख में स्टाई की समस्या हो जाती है। शुरुआत में यह एक छोटी सी गांठ के रूप में उभर करके आती है, लेकिन धीरे धीरे यह गांठ बड़ी हो जाती है और स्टाई की कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है। और भी कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से हमें स्टाई की समस्या हो जाती है। तो जैसे कि यदि आपने गंदे हाथ अपनी आई पर टच कर लिया, उसकी वजह से भी यह समस्या हो जाती है, या फिर आपने बिना धुले हुए, बिना क्लीन किए हुए हाथ से कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लिया, उसकी वजह से भी यह समस्या हो जाती है। पुराने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से भी यह समस्या हो जाती है, या फिर आपकी ऑयल ग्लैंड में ऑयल का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगा और साथ ही सिक्रीशन भी ज़्यादा होने लगा, तो उसकी वजह से भी यह समस्या हो जाती है। या फिर पलकों के किनारों पर लगातार स्वेलिंग बनी रहने से
इस कंडीशन को हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो ब्लेफराइटिस की यदि आपकी कंडीशन काफ़ी टाइम से है तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। अब ब्लेफराइटिस क्या होता है, इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके आप मेरे चैनल के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसके माध्यम से ब्लेफराइटिस को समझ सकते हैं। तो ब्लेफराइटिस की कंडीशन में भी ये समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो आप एक कपड़े को गर्म पानी में डुबो करके, निचोड़ करके आप अपनी पलकों की सेकाई करिए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक करिए, और एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार सेकाई करिए। इसकी सेकाई से आपके जो ऑयल ग्लैंड में ब्लॉकेज हो रहे होंगे तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे और आपकी ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। साथ ही आप पुराने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना यूज करें, अगर ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो फेंक दें और नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करें। अगर किसी को स्टाई की समस्या है तो अपना पर्सनल सामान उसके साथ न शेयर करें। साथ ही आप मेडिकेशन के लिए, यदि आपकी स्टाई की कंडीशन में पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको पेन किलर दिया जाता है, साथ ही एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं, या फिर आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। और यदि यह समस्या आपको काफ़ी लंबे समय से है तो कुछ ओरली दवाएं दी जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी ड्रॉप या फिर ओरली दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि यह दवा आपकी आँख में किसी तरह की दूसरी समस्या ना पैदा करे, किसी तरह का कोई नुकसान ना करे। लास्ट ऑप्शन आपकी सर्जरी है। यदि आपकी जो गांठ है उससे पस बाहर नहीं निकल रहा है तो पस को निकालने के लिए डॉक्टर आपकी आँख में एक छोटा सा चीरा लगा देता है, जिसकी वजह से पस बाहर निकल जाता है और आपकी स्टाई की कंडीशन ठीक होने लगती है। साथ ही पेन और स्वेलिंग में भी आराम मिल जाता है। इस तरह से आप स्टाई यानी गुहेरी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो, आई की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।